लैक जेड, लैक वाई, लैक ए, लैक ओ एंड लैक पी तक आ गए थे। ये भी लैक ओपरोन का ही हिस्सा है, प्रमोटर एलिमेंट। उसके बाद फिर लैक आई, ये रेगुलेटरी जीन है। लैक आई, लैक ओ का कोई प्रोटीन प्रोडक्ट नहीं है, लैक पी का कोई प्रोटीन प्रोडक्ट नहीं है। लैक आई का प्रोटीन प्रोडक्ट है, तो इसको बोला जाता है लैक, कैपिटल एल, लैक आई या रिप्रेसर प्रोटीन। ये निगेटिवली रेगुलेट करता है लैक ओपरोन को। अब देखिए हो क्या हो रहा है यहाँ पर, ये सब कॉन्स्टिट्यूएंट समझ गए आप इसके। या प्रमोटर एलिमेंट इसी लैक आई जीन का है, टर्मिनेटर रीजन इसी लैक आई जीन का है। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूटिवली यानी हमेशा लैक आई एक्सप्रेस होता रहता है। सेल को क्यों, बैक्टीरिया को क्यों जरूरत पड़ेगी इस लैक ओपरोन की? इसलिए जरूरत पड़ेगी क्योंकि लैक्टोज इज नॉट ऑलवेज अवेलेबल इन द मीडियम एज फूड सोर्स। लैक्टोज जब अवेलेबल होगा उसी समय लैक्टोज को मेटाबोलाइज करने वाले एंजाइम और प्रोटीन्स एक्सप्रेस होंगे, नहीं तो हमेशा एक्सप्रेस होते रहेगा तो किसी काम का नहीं है, वो इनर्जेटिकली फेवरेबल नहीं होगा बैक्टीरिया के लिए। जिस समय लैक्टोज मीडियम में अवेलेबल है उस समय लैक्टोज को मेटाबोलाइज करने के एंजाइम्स और प्रोटीन्स को एक्सप्रेस कर दिए जाए, इसलिए यह सिस्टम है बैक्टीरिया में जेनेटिक लेवल पर लैक ओपरोन। यानी जब लैक्टोज मौजूद होगा तभी यह प्रोटीन एक्सप्रेस होंगे। अब देखिए कैसे हो रहा है, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके, हमेशा लैक आई एक्सप्रेस होता रहता है, तो लैक आई का ये रिप्रेसर प्रोटीन है, ये ग्रीन से मैंने बनाया है, यहाँ देख रहे हो आप। यह रिप्रेसर प्रोटीन जो है ऑपरेटर रीजन को ब्लॉक कर दिया। रिप्रेसर प्रोटीन है, ऑपरेटर डीएनए है, इस डीएनए के इस रीजन को, जीन के इस रीजन को जहाँ पर ऑपरेटर है, इस रीजन को ऑपरेटर कहते हैं, जिसमें जिसको रिप्रेसर प्रोटीन ब्लॉक कर देता है। रिप्रेसर प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा है हमेशा और ये इसको ब्लॉक कर किए हुए है ऑपरेटर रीजन को। ऑपरेटर रीजन को मास्क करने की वजह से ये प्रमोटर रीजन को भी टच किए हुए है। ओके, तो प्रमोटर रीजन पर अब आरएनए पॉलीमरेज बैठ नहीं सकता है, सिट यहाँ पर नहीं कर सकता। जब तक आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर अटैच नहीं होगा, बाइंड नहीं करेगा प्रमोटर रीजन से, तब तक ट्रांसक्रिप्शन यानी मैसेंजर आरएनए बनना, सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर आरएनए नहीं स्टार्ट होगा लैक जेड, लैक वाई, लैक ए का। जब तक आरएनए पॉलीमरेज यहाँ बैठेगा नहीं, आरएनए पॉलीमरेज यहाँ नहीं बैठ पा रहा है किसकी वजह से? रिप्रेसर प्रोटीन की वजह से। रिप्रेसर प्रोटीन किस वजह से है? लैक आई जीन इसका ये प्रोडक्ट है जो कि इमीडिएटली अपस्ट्रीम है इस जीन, इस ओपरोन के, ये प्रमोटर रीजन इस ओपरोन को। लैक आई को इस ओपरोन का हिस्सा हम नहीं कर सकते, ठीक है? यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स लिख दिए, एक्चुअली ये अलग है। ओपरोन, लैक ओपरोन का हिस्सा हुआ यानी ओपरोन में कोई एक ही प्रमोटर होता है, एक प्रमोटर से संचालित होने वाले जितने जीन्स हैं वो सब ओपरोन, एक ओपरोन का हिस्सा कहलाते हैं, ठीक है? इसका प्रमोटर अपना है लैक आई जीन का, लेकिन इस यह जीन जो है इस लैक ओपरोन पर इसका रेगुलेटरी रोल इफेक्ट है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट ऑफ लैक ओपरोन में लैक आई नहीं लिखोगे, यहीं तक। तो क्या क्या हो गया इसमें?
थ्री स्ट्रक्चरल जीन्स, ऑपरेटर और रेगुलेटर भी यही हो गया, ऑपरेटर इसी को कहते हैं, और प्रमोटर। ठीक है, सो यू यू विल राइट कि लैक ऑपरोन कंसिस्ट ऑफ थ्री स्ट्रक्चरल जीन्स एंड ए प्रमोटर, ए टर्मिनेटर, यहां पर टर्मिनेटर होगा, इतना बड़ा टर्मिनेटर रीजन नहीं होता है, टर्मिनेटर डीएनए है, हो गया रेगुलेटर, हो गया ये ऑपरेटर ही, नहीं रेगुलेटर तो हो गया ये, तो आप सीधा लिखना कि थ्री स्ट्रक्चरल जीन्स, वन प्रमोटर, टर्मिनेटर एंड ऑपरेटर। ओके, दिस थ्री स्ट्रक्चरल जीन्स आर लैकजेड। स्ट्रक्चरल जीन्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसका प्रोटीन प्रोडक्ट is taking part directly in the lactose metabolism. So lacjet ka gene ka jo protein product hai uska naam hai beta galactosidase. Yani lacjet. Lacy ka प्रोटीन प्रोडक्ट का नाम है बीटा गैलेक्टोसाइड परमिएज। लैक ए का प्रोटीन प्रोडक्ट का नाम है बीटा, बीटा इसलिए है क्योंकि यस बीटा बॉन्ड को अटैक कर रहा है, बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो दोनों मोनोसेक्राइड यूनिट के बीच में लिंक है, क्योंकि लैक्टोज बना है एक गैलेक्टोज से और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। लैक्टोज का स्ट्रक्चर अगर आप देखो तो CH2OH, दिस इज द सिक्स्थ कार्बन, ओके, अटैच टू द फिफ्थ कार्बन, सिक्स CH2 और ऑक्सीजन से रिंग हो गया इसका, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स कार्बन, फिफ्थ कार्बन पर CH2OH और नीचे में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को नहीं डिनोट कर रहे हैं, जहां पर वैलेंसी फुलफिल नहीं हो समझ लो वहां हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप फोर्थ कार्बन पर, फिर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप थर्ड कार्बन पर, नीचे की तरफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन सेकेंड कार्बन, और ये हो गया फर्स्ट कार्बन। फर्स्ट कार्बन इज इन्वॉल्व विथ द बॉन्ड विथ द फोर्थ कार्बन, ये गैलेक्टोज है, ये बीटा लिंक्ड है, ये ग्लूकोज से, हेलो
नहीं क्लास ले लूंगा, करते हैं फोन, ठीक। ये हो गया सिक्स कार्बन ग्लूकोज का CH2OH, और ग्लूकोज है तो यहाँ पर फर्स्ट कार्बन ये ऑक्सीजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, सेकेंड कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसका भी नीचे ही है, थर्ड का ऊपर है इसका भी, ठीक है। ये हो गया आपका डी ग्लूकोज। ये हो गया डी गैलेक्टोज, डी गैलेक्टोज। तो गैलेक्टोसाइट कहते हैं वैसे डाइसेक्राइड को जिसमें एक गैलेक्टोज रेसिड्यू है। तो लैक्टोज इज मेन और कॉमन गैलेक्टोसाइट, समझ में आया। तो लैक्टोज एक तरह का गैलेक्टोसाइड है, इसीलिए यहां पर नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, लैक्टोज नाम नहीं। बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करेगा, इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा जिससे ये दोनों डाइसेक्राइड यूनिट अलग अलग हो जाते हैं। लैकवाई गैलेक्टोसाइड परमिएज, इसका काम है ये ट्रांसमेम्ब्रेन सिंपोर्टर प्रोटीन है, यह लैक्टोज को इंपोर्ट करता है सेल के अंदर, ओके। और थर्ड वाले का नाम है बीटा गैलेक्टोसाइड ट्रांस एसिटाइलेज, यह एक एसिटाइल ग्रुप एसिटाइल कोएंजाइम ए से आयो गैलेक्टोसाइड पर ट्रांसफर करता है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट इन लैक्टोज मेटाबॉलिज्म हियर, ओके। लेकिन लैक ओपरोन लिखोगे तो तीनों लिखोगे क्योंकि ये इसी ओपरोन का हिस्सा है। आ रहा है समझ में? तो फिर से बता दे रहे हैं हो क्या रहा है यहाँ पर। अगर आउटसाइड मीडियम में लैक्टोज की मात्रा नहीं है तो सेल के अंदर भी लैक्टोज की मात्रा कम होगी, ठीक है। सेल के अंदर लैक्टोज की मात्रा कम है तो रिप्रेसर प्रोटीन के अंदर एक बाइंडिंग साइट है लैक्टोज के साथ बाइंड होने के लिए, एंड इफ दैट बाइंडिंग साइट इज फ्री देन विथ द अनदर बाइंडिंग साइट विच इज प्रेजेंट इन द this repressor protein only that binding site by that site binds with the DNA. अगर इससे लैक्टोज बाइंड नहीं है इसके बाइंडिंग साइट से तो दूसरा बाइंडिंग साइट से यह DNA के ऑपरेटर एलिमेंट में जो सीक्वेंस है उससे यह बाइंड कर जाएगा repressor protein, और यह हमेशा बाउंड किए हुए है। अगर लैक्टोज आएगा तो वह रिप्रेसर प्रोटीन के अपने वाले बाइंडिंग साइट से बाइंड कर जाएगा। मान लो लैक्टोज आकर के यहां बाइंड कर गया, इस बाइंडिंग के वजह से यह बाइंडिंग छूट जाती है डीएनए से जो बाइंडिंग किए हुए है रिप्रेसर, तो यह जब छूट जाएगी बाइंडिंग इसकी तो यह अलग हो जाएगा रिप्रेसर प्रोटीन और ऑपरेटर अब फ्री हो गया, प्रमोटर फ्री हो गया, ऑपरेटर प्रमोटर फ्री हो गया, जिसके बाद आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड कर जाएगा यहाँ, ओके। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा फिर वो ट्रांसक्राइब कर देगा, देखो आया समझ में, यही सिंपल प्रोसीजर है। यह एक तरह से रिप्रेसर प्रोटीन
निगेटिवली रेगुलेट कर रहा है, क्योंकि मैं रेगुलेशन भी आपको बता दिए। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर लैक्टोज आके बाइंड किया, फिर नेक्स्ट में क्या होगा, दिस ऑपरेटर इज फ्री नाउ, ऑपरेटर फ्री है तो प्रमोटर के बगल का बाउंड्री भी फ्री है, जिससे कि अब कंफर्टेबली आरएनए पॉलीमरेज वहां पर बैठ सकता है, कंफर्टेबली इट कैन सिट ओवर देयर। और ये चला गया डिप्रेसर प्रोटीन, यहां से रिलीज हो गया, क्यों, क्योंकि इससे लैक्टोज बाइंड कर गया, यहाँ पर तो अभी बाइंड किया हुआ नहीं है, यहाँ पर अलग से दिखा, बाइंड करने के बाद इसने छोड़ दिया डीएनए को, डीएनए को छोड़ देगा तो आरएनए पॉलीमरेज आएगा यहाँ पर, बाइंड कर जाएगा। और ट्रांसक्रिप्शन फिर स्टार्ट हो जाएगा, कहां से, 0 पॉइंट यहां से है, आरएनए पॉलीमरेज विल रोल कर, यहाँ पर इसने पहचान लिया कि हाँ यही सीक्वेंस है, ये आगे बढ़ा, रोल किया और स्टार्ट पॉइंट जो है वहां से ये इट विल स्टार्ट ट्रांसक्रिप्शन। भी लेवल कर लोगे उसी के जैसा, लैक जेड, लैक वाई, लैक ए, ये हो गया प्रमोटर, ऑपरेटर, आया समझ में स्टूडेंट्स? हेलो, यस सर, समझ। लैक्टोज ओपेरॉन क्या है? लैक्टोज ओपेरॉन इज एन ओपेरॉन व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसपोर्ट एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज in E. coli and many other bacteria. हालांकि ग्लूकोज इनका प्रेफर्ड कार्बन सोर्स है ज्यादातर बैक्टीरिया का, बट द लैक ऑपरॉन अलाउज फॉर द इफेक्टिव डाइजेशन ऑफ लैक्टोज
when glucose is not available through the activity of beta galactosidase. Through the activity of beta galactosidase, glucose is made available to the cell, because after breakdown of the lactose, it will give one glucose molecule and one galactose molecule. Okay. Therefore, the gene regulation of lactose apron is required. This is the structure of lactose apron. और इसका regulation होता है. क्यों? क्योंकि lactose अगर medium में available नहीं है तो क्या फायदा इन genes को switch on करने का और इनको transcribe करके इनके protein product को बनाने का. उसमें बहुत एनर्जी खर्च होता है, ट्रांसक्रिप्शन होगा, फिर ट्रांसलेशन होगा. ओके, जब लैक्टोज अवेलेबल हो मीडियम में तभी ये इनके जीन्स स्विच ऑन होने चाहिए. तो उसके लिए ये सिस्टम है, रिप्रेसर प्रोटीन के पास बाइंडिंग साइट है. लैक्टोज अगर अवेलेबल हो गया तो यह रिप्रेसर प्रोटीन को यहाँ से अलग कर देगा और उस लैक्टोज को मेटाबोलाइज करने वाले जीन्स फिर एक्सप्रेस हो जाएंगे ट्रांसक्राइब होके. जीन का एक्सप्रेशन मतलब होता है ट्रांसक्रिप्शन. ओके, और ट्रांसक्रिप्शन के बाद फिर ट्रांसलेशन होता है प्रक्रिया जो कि प्रोटीन सिंथेसिस है. ओके, यस सर. सो दिस टाइप ऑफ जीन रेगुलेशन ऑफ लैक्टोज, it was the first genetic regulatory mechanism to be understood clearly to biologists. Therefore, it has become a foremost example of prokaryotic gene regulation. That's why it is in your syllabus. बहुत ही common और basic example है कि prokaryotes में gene का regulation किस प्रकार से हो रहा है. और ये सबसे पहले इसी की डिस्कवरी हुई थी, इसी जीन रेगुलेशन की. ओके, किन्होंने किया था? जैकब एंड मोनाड, और उनको इस कार्य के लिए, बिकॉज दे हैव डिटरमाइंड कि हाउ ए बायोलॉजिकल सेल नोज व्हिच एंजाइम टू सिंथेसाइज्ड. सो दिस इज द आंसर इन द सॉल्यूशन ऑफ दैट क्वेश्चन. Like this, it is knowing, cell is knowing that enzyme responsible for lactose metabolism should be synthesized now because lactose is available. And their work on this lactoperon won them the Nobel Prize in Physiology. 1965 में Nobel Prize मिला था इसी कारण से, इस ओपरोन की खोज के लिए. ओके, कल के क्लास में हम आपको इसका, ये एक तरह से नेगेटिव रेगुलेशन भी बता दिए इसमें आपको. ओके, इसी पिक्चर में अगर ये रिप्रेसर प्रोटीन नहीं बताते तो ये रेगुलेशन इसमें मिसिंग हो जाता, फिर अलग से बताना पड़ता. ठीक है, रेगुलेशन मतलब क्या, इसको स्विच ऑन कब करना है, स्विच ऑफ कब करना है, इसको डिसाइड करना. लेकिन ये निगेटिव रेगुलेशन है. क्यों? क्योंकि स्विचिंग ऑन ऑफ दिस जीन लैक आई जीन इज स्विचिंग ऑफ द जीन्स ऑफ लैक ऑपरॉन. दैट इज व्हाई इट इज निगेटिव रेगुलेशन. एक जीन का एक्सप्रेशन दूसरे जीन समूहों के एक्सप्रेशन को रोक दे रहा है. लैक आई का प्रोटीन प्रोडक्ट है रिप्रेसर प्रोटीन जो ये ग्रीन से बनाया, यह एक्सप्रेस हो रहा है हमेशा और यह इसलिए इसको ब्लॉक किए हुए है, इस जीन को रिप्रेस एक्सप्रेशन से रोके हुए है क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज को यहाँ पर बैठने का जगह नहीं मिल रहा है. ये तभी हटेगा यहाँ से जब इसको लैक्टोज मिल जाएगा. ओके, लैक्टोज नहीं मिलेगा, ये यहीं पर ब्लॉक किए रहेगा रास्ता आरएनए पॉलीमरेज का और जीन्स का एक्सप्रेशन रुका रहेगा. इसीलिए निगेटिव रेगुलेशन है. एक्सप्रेशन ऑफ वन जीन इज निगेटिवली रेगुलेटिंग द एक्सप्रेशन ऑफ दिस ओपरोन.
नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पॉजिटिव रेगुलेशन, ओके, इन द नेक्स्ट क्लास, किस तरह पॉजिटिवली इस लैक ऑपरोन को रेगुलेट किया जाता है, साइक्लिक एएमपी और सीएपी कैप प्रोटीन के द्वारा, ओके, इन द नेक्स्ट क्लास। इतना समझ में आया, ये दो चीज समझ जाओगे, ये टॉपिक खत्म, ओवर हो जाएगा। यस, ठीक है, ये तो फर्स्ट टॉपिक था, उसका आपको बता दिए, एक पॉजिटिव रेगुलेशन बता देंगे, वो टॉपिक खत्म हो जाएगा। लैक ऑपरोन बहुत आसान है, कंसेप्चुअल है, इसको आप फिर से रिवाइज कर लेना, समझ जाओगे, ओके। यस सर।